ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। सबसे पहले तो यार आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं अच्छा करें, बढ़िया करें, यही मेरी बेस्ट विशेज हैं। तो यार हम भी आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं इस नए साल में, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। लेकिन आज का ये वीडियो पहला वीडियो है इस साल का, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कोई एक ऐसा वीडियो लेके आए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। और यार नए साल में बहुत सारे नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं और कुछ तो कल ही लॉन्च होने वाले हैं, तो यार ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पांच ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो अगर आप बात करें स्पेसिफिकेशन में, यानी कि आप डिस्प्ले की बात करें या कैमरे की बात करें या बैटरी लाइफ की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो काफी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं ये सारे। और यहां पर कुछ मिड रेंज के स्मार्टफोन्स हैं, कुछ हाई रेंज के स्मार्टफोन्स हैं। सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं, आप गलती मत करना। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के बने रहो, तुरंत वापस आते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन निकल के आ रहा है Vivo की तरफ से, Vivo X100 सीरीज। इस सीरीज का ये पहला स्मार्टफोन होने वाला है और यहां पर आपको V3 चिप देखने को मिलेगी, यानी कि जो इनका प्रोसेसर है V3 चिप में देखने को मिलने वाला है, जो कि यहां पे है जो टारगेट करेगा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ओवरऑल डिस्प्ले को, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली। और डिस्प्ले की बात करिए तो यहां पे 6.7 इंच की 8TLTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है। OLED डिस्प्ले होने वाली है बेसिकली ये, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है LTPO, जिसका नाम है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। अब ये LTPO डिस्प्ले क्या है इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस ये समझ लो यार कि डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये सेम टेक्नोलॉजी आपको OnePlus का आने वाला जो स्मार्टफोन है, यानी कि OnePlus 12 या 12R जिसे हम कह रहे हैं, जिसका जो चाइना में जो लॉन्च हो रहा है OnePlus S3 के नाम से लॉन्च हो रहा है, उसमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि यार यहाँ पे प्राइस का भी बहुत ज्यादा खेल है। आगे बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर की पहले बात कर लें तो यहाँ पे Dimensity का 9300 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपको 50, 64 और 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। इतना नहीं, यहाँ पे आप सिनेमेटिक मोड भी आपको देखने को मिल जाता है और 4K रिकॉर्डिंग को भी ये सपोर्ट करता है। वहीं पे प्राइमरी सेंसर आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर, यानी कि आपको 120 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं पे रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 12GB रैम और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी रहेगी जहां पे इसकी प्राइस की बात आती है। प्राइस मेजर फैक्टर है, क्योंकि यार र्यूमर्स जो बता रहे हैं वो 50,000 रुपए इसका प्राइस बता रहे हैं कि 50,000 के आसपास आएगा। लेकिन जिस तरह का प्रोसेसर है, जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, वो सब कुछ अच्छा है, बट प्राइस मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। क्योंकि यार यहाँ पे अगर ये 40,000 या 42-45,000 के अंदर आता तो यार ये जस्टिफाई करता। अब देखते हैं यार इंडिया में लॉन्च होता है तो किस प्राइस में लॉन्च होता है। दूसरा स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 13। ये भी कल लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइस की बात करें तो यार ये भी जो एस्टिमेट प्राइस जो रूमर निकल के आ रहा है 20,000 या 22,000 के आसपास आपको देने को मिल सकता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से। बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यार डिस्प्ले के हिसाब से जो प्राइस पॉइंट है वो काफी अच्छा है। वहीं पे प्रोसेसर की बात करूं तो यार यहाँ पे MediaTek Dimensity का 6080 चिपसेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन को देखें और प्राइस को देखें, अगर 20,000 के अंदर आता है या 20,000 के आसपास भी आता है तो काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और इसका 13 प्रो और प्रो प्लस वेरियंट भी आने वाला है, जहां पे है जो 13 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिसकी प्राइस अराउंड 28,000 से 30,000 के बीच में होने वाली है। वहीं पे प्रो प्लस में MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस अप्रॉक्स 35,000 होने वाली है। तीसरा स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus 12। ये स्मार्टफोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 5 दिसंबर को और इंडिया में 23 या 24 जनवरी को लॉन्च हो सकता है। लेकिन इसका जो मेन हाइलाइटेड फीचर है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और इसमें शायद कूलिंग टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कूलिंग का फीचर भी होगा। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पे LTPO टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो मैंने अभी आपको Vivo X100 में बताया था वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज की जा रही है। वहीं पे ट्रिपल सेटअप कैमरा के साथ आता है, जहां पे 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पे फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे सोनी का सेंसर यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। प्राइमरी कैमरे से 8K में और सेकेंडरी कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 12GB की रैम, 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं पे 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जहां पे 100 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सपोर्ट यानी कि आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट यहां पे देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं तो अराउंड 50,000 के आसपास होने वाली है। तो यार जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है 50,000 में, ये बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है अगर आप इसको भी बाय करना चाहो तो। देखते हैं अभी पूरा स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन क्या क्या निकल के आती है, क्या प्राइस आएगी, लेकिन 50,000 के आसपास आता है तो बहुत सही स्मार्टफोन हो सकता है। चौथा स्मार्टफोन होने वाला है पोको की तरफ से, पोको X6। यार ये इस सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जो इंडिया में लॉन्च होगा, जो कि यार सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि जिस प्रोसेसर के साथ आ रहा है वो इंडिया का पहला स्मार्टफोन बनने जा रहा है, जहां पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा चिपसेट देने को मिलता है। अब ये जो गिमिक चलता है ना यार कि ये पहला स्मार्टफोन है, इसके बाद क्या दोबारा दूसरा नहीं आएगा क्या? तो इसके हाइप क्रिएट करने का सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से। आगे भी और भी स्मार्टफोन आएंगे जो हो सकता है इससे भी अच्छे हों, लेकिन अभी जो फीचर है उसके ऊपर हम बात करें तो यार यहाँ पे 8300 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो यार काफी सही प्रोसेसर है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइस की बात हो तो यार 20,000 रुपए एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, और 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो काफी सही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पे 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 5100mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां पे 67W या 90W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू रूमर जो भी निकल के आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे X6 और X6 Pro का वेरियंट लेके आए, जहां पे आपको एक में 67W दूसरे में 90W का फास्ट चार्जर देखने को मिले। तो ओवरऑल जो प्राइस है यार 20,000 या 22,000 के अंदर अगर ये आता है तो काफी सही स्मार्टफोन हो सकता है, काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है मैं कहूंगा। पांचवा स्मार्टफोन निकल के आता है Asus की तरफ से, Asus ROG 8। यार ये जो Asus ROG की सीरीज है यार आप सभी को पता है कि गेमर्स को टारगेट करती है, स्पेशली फॉर गेमर्स स्मार्टफोन मैं कह सकता हूं, और यहां पर ये स्मार्टफोन है जो इसी जनवरी में यानी किसी महीने में लॉन्च हो सकता है। वहीं पे मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशंस की तो यहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, काफी पावरफुल चिपसेट है, तो गेमिंग वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। और आसूस के जो भी स्मार्टफोन है काफी तगड़े स्मार्टफोन है, तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। 6.78 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, 165Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, यानी कि गेमिंग आपकी एकदम मक्खन होने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे आपको यहाँ पे 12GB रैम और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो है 50MP का होगा सोनी के सेंसर के साथ आता है, वहीं पे 13MP का 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, 13MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5500mAh की बैटरी हो सकती है, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग कितना है अभी ये र्यूमर निकल के बाहर नहीं आए, ये तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रही है वो अप्रॉक्स 79,000 हो सकती है, यानी कि 80,000 रुपए के आसपास हो सकती है। उम्मीद करते हैं यार 75 के अंदर आए तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन देखते हैं क्या प्राइस निकल के आती है। तो यार ये थे सारे स्मार्टफोन जो कि काफी ऑसम स्मार्टफोन है जो इस साल जनवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके लिए आता रहूंगा। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।